उत्तराखंड के उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल हादसे में 11 दिन बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रहा। इस बीच सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के संबंध में बुधवार को अस्थायी मीडिया सेंटर सिलक्यारा में अधिकारियों ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान एमडी महमूद अहमद ने बताया कि टनल के अंदर 900 mm पाइप को पुश किया गया था। फिलहाल टेलीस्कोप मेथड से 900 mm पाइप के अंदर 800 mm का पाइप को भी पुश कर दिया गया है। ऑगर मशीन से पुनः ड्रिलिंग शुरू करते हुए कुल 45 मीटर तक ड्रिलिंग पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि शेष स्थान पर ड्रिलिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा है। उत्तरकाशी सुरंग बचाव पर पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे ने कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि 6 मीटर की अगली लंबाई सफलतापूर्वक हासिल कर ली गई है और उम्मीद है कि अगले 2 से 3 घंटे में अगले प्रयास के लिए संयोजन और उसे हासिल करने के लिहाज से अच्छे होंगे। उत्तरकाशी से विनीत कंसबाल की रिपोर्ट। जिसमें उनसे अब पहले जो पाइप के थ्रू बोल के बात की जा रही थी, पाइप के अगर कोई अड़चन नहीं होती है, जैसे कि कल मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि बड़े बोल्डर आ सकते हैं, पत्थर बड़ा आ सकता है, कोई लैटिस कर्डर अंदर होते हैं हमारे, आप लोगों को ये भी मैं बता दूं, एक आयरन रॉड भी पक के साथ, मतलब मलबा के साथ जो मशीन काट के देखता है उसके साथ एक बड़ा सा आयरन रॉड भी आया। ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो अंदर ट्विस्ट होके टर्न होके मशीन को रोका नहीं, सीधे ही निकाल के फेंक दिया। तो बड़ी सारी अड़चनें आ सकती है, लेकिन अगर ना आए, उम्मीद करते हैं कि अगले देर रात्रि तक या कल सवेरे सवेरे कुछ अच्छी खबर हम सबको मिले और हम सब जो हम अपनी मेहनत इतनी की है, सबने इतनी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चला था, उसी प्रकार से हमारे NDRF और SDRF की टीम ने एक ऑडियो कम्युनिकेशन चैनल भी उनके साथ स्थापित किया, जिसमें उनसे अब पहले जो पाइप के थ्रू बोल के बात की जा रही थी, पाइप के अलावा वहाँ पर एक वायर के थ्रू एक माइक्रोफोन और स्पीकर उस साइड चला गया है और इस साइड हमारे पास एक हेडफोन के थ्रू माइक्रोफोन के थ्रू उनसे बात हो पा रही है। तो सबसे पहले जैसे जब एस्टेब्लिश हुआ तो हमारे डॉक्टर्स ने भी उनसे बात की, उनका सभी का स्वास्थ्य का हालचाल जाना, तो जो भी एक दो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट उनके द्वारा और बताया गया उसके अनुसार उनको पहुंचाई गई। जैसे थोड़ा एक दो कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि इतने दिन से खाने में कम खा पा रहे थे तो कॉन्स्टिपेशन का था, तो वो तत्काल उनको पहुंचाया गया। तो डॉक्टर्स ने बात की, अभी उनके लिए जैसे जो एक मेंटल हेल्थ का भी एस्पेक्ट होता है उसके लिए जो हमारे एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी बात की है, और क्योंकि इमीडिएटली एक साथ बात ना करके थोड़े थोड़े समय में बात की जा रही है ताकि आराम से वो लोग एक एक करके बात कर पाएँ।